तो हेलो गाइस यार, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपना सिंपल सा एक टैप लिस्ट ऐड कर सकते हैं अपने एटेनोस के सर्वर में। बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगा, बहुत इजीली आप लोग ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए आप लोगों को पहले प्लगइन्स पे जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा टैब लिस्ट। ओके, यहाँ पर टैब लिस्ट लिखने के बाद आप लोग को पहले देख लेना कौन सा ये वाला नहीं लगाना। वेट, मुझे भी देखना पड़ेगा कौन सा लगाना पड़ेगा। टैबलिस्ट एक बढ़िया सा प्लगइन आता है, उसे ही लगाना है। हाँ तो नहीं, ये भी नहीं, ये दूसरे वर्जन के लिए। तो मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ कि कौन सा आप लोग को लगाना है। ओके, हाँ तो गाइस यार, मैं उस प्लगइन का नाम भूल गया था। उस प्लगइन का नाम था एनिमेटेड टैबलिस्ट। ओके, ये लिखना पड़ता है, देन आपका ये आता है। ठीक है, इसको ऐड कर लो। ठीक है, 1.18 सब वर्जन के लिए एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है, एनिमेटेड टैप लिस्ट ये बेस्ट है, बस इसको ऐड कर लो एंड देन आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। ऐड करने के बाद सर्वर रीस्टार्ट ज़रूर से कर लेना। तो इस प्लगइन को ऐड करने के बाद ना आप लोग को एक प्ले स्टोर API भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी वीडियो आप कहीं पर देख लेना, नहीं तो मैं बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। पहले उसके बाद आप लोग को फाइल समझाना है। ठीक है, एंड यहाँ फाइल्स पे आने के बाद टैबलिस्ट। ओके, टैबलिस्ट पे आ जाना है एंड यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर एनिम क्रिएटर, तो इसमें चले जाना एनिम क्रिएटर में। एंड यहाँ पर ना आप अपने सर्वर का नाम लिख देना यहाँ पर सब जगह पे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने अपने सर्वर का नाम लिख दिया है गॉडलैंड्स। ये मेरा सर्वर नहीं है लेकिन मैं सर्वर का एडमिन हूँ, तो व्हाटएवर। तो आप लोग मतलब अपना सर्वर का यहाँ पर नाम लिख देना एंड अब मैं बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर चले जाना, फिर आप लोग यहाँ पे आ जाना tablist.yml। ओके, एंड मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूँगा, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर लेना। वेट, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ गया। हाँ तो यहाँ पर आने के बाद ना आप लोग को यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन दोनों मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फिर tablist.yml में जाना है एंड यहाँ Ctrl+A दबा के Ctrl+C दबा के इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आके Ctrl+A दबा के यहाँ पर Ctrl+V दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट जब हो जाए ना तो यहाँ नीचे थोड़ा सा जाना एंड यहाँ पर ना अपने सर्वर का IP लिख देना। ठीक है, यहाँ मेरे सर्वर का IP है, मतलब इस सर्वर का IP मैंने डाला हुआ है, तो आप भी अपने सर्वर का IP डाल देना एंड फिर यहाँ टैबलिस्ट पे जाना। एंड अभी आप लोग को ना इस वाले ये जो ग्रुप्स है ना इस पे आना है, ये भी दोनों का मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर Ctrl+A दबा के Ctrl+C दबा के मतलब इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ ग्रुप्स में आके यहाँ पर आ करके इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल एज सिंपल इज डैट। एंड हाँ गाइज, आप लोग को ना अपने सर्वर में लग पम्प्स होना ज़रूरी है। अगर आपको लग पम्प्स जानना है कि कैसे सेटअप करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो गाइज मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वेट हाँ तो मैं दिखा देता हूँ कि मतलब ये कैसा चलेगा, मतलब आपका कैसा लगेगा। तो वेट, मैं सर्वर को पहले ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने लॉगिन कर लिया है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं टैब बटन दबाऊँ तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख के आएगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 90 सब्सक्राइबर एंड देन हमारा टारगेट रहेगा 100, सो वी कैन हिट 100 सब्सक्राइबर।
वेरी सून, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड या थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टू 80 सब्सक्राइबर्स एंड या थैंक यू सो मच थैंक्स एंड बाय बाय.